नमस्कार मित्रों, आज हम DOL स्टार्टर का वायरिंग डायग्राम समझेंगे। सबसे पहले इसमें तीन फेस कनेक्ट करते हैं RYB जो कि आप देख रहे हैं, और तीन फ्यूज के माध्यम से मेन कॉन्ट्रैक्टर यम तक जाता है। और जैसे मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है तो सप्लाई आके एक्सटेंड होती है। ये OLC ओवरलोड कॉइल नॉर्मल कंडीशन में होता है तो मोटर हमारा स्टार्ट हो जाता है। OLC अगर नॉर्मल कंडीशन में होता है तो इसका OLC का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट डी नॉर्मली क्लोज होता है, मींस NC होता है। तो अब स्टार्ट कैसे होता है और स्टॉप कैसे होता है ये देखेंगे। स्टार्ट के लिए पावर कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए इसमें कॉइल लगी हुई है पावर कॉन्ट्रैक्टर में ही। इस कॉइल को दो फेस सप्लाई की आवश्यकता है। आर फेस को हम कॉमन दे देते हैं कॉइल में, कॉइल सी में, और वाई को ऑफ स्विच S2 और रिमोट ऑफ स्विच S3 दोनों नॉर्मली क्लोज होते हैं। और डी भी OLC कॉइल इनके रीसेट है तो क्लोज रहेगा, तो सप्लाई S1 स्विच के एक पॉइंट तक पहुंच जाती है। जैसे ही हम S1 स्विच को प्रेस करते हैं तो हमारी कॉइल में सप्लाई चली जाती है। जैसे ही सप्लाई जाती है तो पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाता है। पावर कॉन्ट्रैक्टर के ऑन होते ही तीनों पावर कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हो जाते हैं, मीन सप्लाई आगे फॉरवर्ड करते हैं, और इसका ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट ए भी चेंज हो जाता है, मीन्स क्लोज हो जाता है। तो ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट ए जैसे ही क्लोज होता है तो सप्लाई कॉइल को ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट ए के थ्रू भी मिलने लगती है। तो उस कंडीशन में स्टार्ट बटन S1 को हम छोड़ देते हैं तो भी हमारी मोटर स्टार्ट रहती है। और ऑफ करने के लिए कोई भी स्विच S2 को अगर प्रेस करेंगे तो सप्लाई कट हो जाएगी, पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाएगा, ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाएगा और मोटर बंद हो जाएगी। और ये जो रिमोट ऑफ स्विच है इसको क्या है, रिमोट मतलब दूर में भी लगा सकते हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर पर मोटर का स्टार्टर है तो हम चाहें तो फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर से भी इस बटन का यूज करके वहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं। नॉर्मली कंडीशन में इसका यूज इंडस्ट्री में होता है, घर में होता नहीं। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताएं कहाँ आया है। और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो SKDP पावर गुरु को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग समझ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।